भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार तिरंगे से इतनी नफरत क्यों करती है, तिरंगे से क्यों डरती है, और अपने ही देश में तिरंगा फहराना कैसे अपराध हो गया, तिरंगा लेकर चलने वाले फहराने वालों की गिरफ्तारी कैसे हो सकती है। आम आदमी पार्टी जिसने आज बनारस में तिरंगा संकल्प यात्रा का आयोजन किया था, इस यात्रा का नेतृत्व करने के लिए माननीय सांसद संजय सिंह जी सुबह 8 बजे बनारस पहुंच गए थे, और योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने संजय सिंह जी को सुबह 8 बजे से लेकर पुलिस ने हिरासत में रखा है, और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को चंदौली हो, बलिया हो, गाजीपुर हो, मिर्जापुर हो, भदोही हो, बनारस हो, कल देर रात से हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न और शोषण कर रही है। उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनको नोटिस दी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि तिरंगा यात्रा अवैध है, तिरंगा यात्रा निकालना अवैध है, आप वहाँ नहीं जा सकते हो, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को नज़रबंद करके रखा गया, घर के अंदर कैद करके रखा गया। जो आम आदमी पार्टी पूछना चाहती है कि आप इस देश के अंदर आरएसएस की विचारधारा क्यों थोपना चाहते हो, जिसने 52 साल तक अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, आज वैसी सोच उत्तर प्रदेश में क्यों लागू करना चाहते हो। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको तिरंगे से डर क्यों लगता है, आपको आम आदमी पार्टी से डर क्यों लगता है। तिरंगा यात्रा इस देश में सबको निकालने का अधिकार है, आप उस पर बैन क्यों करते हो। और यही नहीं, अयोध्या हो, आगरा हो, नोएडा हो, लखनऊ हो, जहां जहां पार्टी की तिरंगा यात्रा निकली, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसको रोकने का हर संभव कोशिश किया। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग हैं ये डरने वाले लोग नहीं हैं, ये झुकने वाले लोग नहीं हैं। हमने बनारस की तिरंगा यात्रा स्थगित कर दी है, और सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी दूसरी तारीख तय करेगी बनारस के अंदर, और हम तिरंगा यात्रा निकालने का काम करेंगे। आपके जुल्म और जाति से हम लोग दबने वाले लोग नहीं हैं। आपने आगरा में 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को तिरंगा यात्रा निकालने के अपराध में आपने मुकदमा कायम किया। योगी आदित्यनाथ जी, तिरंगे का जो नशा होता है उसके आगे आपकी सत्ता का नशा बहुत छोटा पड़ जाएगा। लोगों के अंदर जो तिरंगा का नशा है, देशभक्ति का नशा है, आप उस अपने सत्ता के दम पर आप उसको दबा नहीं सकते। तो आम आदमी पार्टी बनारस के अंदर दूसरी कोई तारीख निश्चित करेगी और एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन करेगी। आपके माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं का जो आपने उत्पीड़न किया, कल रात से आपने जो परेशान करने का काम किया, आपने बनारस से लेकर चंदौली से लेकर गाजीपुर से लेकर बलिया, मऊ, आजमगढ़, भदोही और मिर्जापुर तक के हमारे पार्टी के जो साथी कार्यकर्ता हैं, उनके घरों पर आपने पुलिस भेजकर उनको डराने का काम किया। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग हैं ये आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, किसी भी घुड़की और धमकी से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम बनारस के अंदर दूसरी तारीख निश्चित करेंगे और माननीय सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा का आयोजन करेगी।